दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। अपनी इस वीडियो में भी मैं आपको फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में ही बताऊंगा। फॉर्मेटिंग टूल्स थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको अपनी किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप किस तरीके से उसको हाईलाइट करेंगे, उसके लिए आपके पास में कोई ना कोई टूल होनी चाहिए। तो अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। और उसमें सबसे पहले होगा आपका मार्क, या फिर ऐसा टैग जिसकी मदद से हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी टैग को हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग की मदद से कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको किसी भी टैग को डिलीटेड शो करना है, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से शो करेंगे, उसके लिए आपको डेल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी चीज़ को दिखाना है कि वो एक इंसर्टेड चीज़ है, तो फिर आप उसको कैसे शो करेंगे कि ये एक इंसर्टेड चीज़ है, ये पहले यहाँ पर नहीं थी और बाद में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर आपको किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो आप किस तरीके से उसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो उसके लिए हम सबको यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है तो उसके लिए हम SUP सुप का यूज़ करते हैं। तो ये सब टैग्स हैं जिनको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्क टैग को। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। दोस्तों, अगर इसको मैं सिंपली रन करूँ तो आपको भी पता है कि जो आउटपुट आएगा वो सिंपल आउटपुट आएगा, उसमें हम आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हाईलाइटेड टेक्स्ट के मोड में शो, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्क टैग का, ठीक है। और ये मार्क टैग भी सिंपली ऑल टैग्स के तरीके से ही होता है, ये भी स्टार्ट और एंड टैग दो पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसे यहाँ पर हम सेव कर देते हैं HTML23.htm, ठीक है। तो HTML23 ये रहा, से रन कराते हैं। देखिए, जो आपका पैराग्राफ आया वो हाईलाइटेड आया, ठीक है। इस तरीके से आप जब कभी भी किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को शो करना है कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है, तो उसे हम किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा HTML का कोड है और इस कोड में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ डिलीटेड टैग्स है, तो फिर मैं इसके लिए एक डेल का यूज़ करूँगा, डेल टैग का यूज़ करूँगा। और डेल टैग जो होता है वो भी एक सिंपल टैग के तरीके से होता है जो कि पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने इसके थ्रू ये दिखा दिया कि जो मेरा पैराग्राफ है वो एक रिमूव टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो देख करके आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है वो क्रॉस्ड आया। क्रॉस्ड का मतलब ये है कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को ये शो करना है कि ये एक डिलीटेड टेक्स्ट है, तो उसको आप डेल टैग के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब एक और नया टैग है जिसे हम इंसर्ट टैग कहते हैं। अगर आपको दिखाना है कि ये वाला जो टैग्स है ये पहले यहाँ पर नहीं था, हमने इसको बाद में इंसर्ट किया है, तो आप कैसे शो करोगे, इसके लिए हमें जो टूल प्रोवाइड किया गया है वो इंसर्ट टैग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक HTML का कोड लिखता हूँ,
ठीक है, इसके अंदर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये अभी यहाँ पर आया है, इसे मैंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर इंसर्ट किया है, तो इसके लिए मैं इंसर्ट टैग का यूज़ करूँगा, INS, ठीक है, INS इंसर्ट टैग का यूज़ करूँगा। इंसर्ट टैग भी और टैग्स के तरीके से ही होता है जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। तो देखिए, जो प्रोग्राम वर्ड है ये अंडरलाइन होकर के आ गया, ठीक है। प्रोग्राम वर्ड मैंने इंसर्ट टैग के अंदर लिखा, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पर बाद में इसको लगाया गया है, ठीक है। तो इसको मैंने इंसर्ट टैग में ऐड कर दिया, जिससे कि पता चले कि इंसर्टेड वैल्यू है, इंसर्टेड चीज़ है। अब बात आती है आपकी सब की। तो जब कभी आपको किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट में लिखना हो तो आप सब टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कोड है, इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है ये सबस्क्रिप्ट में लिख कर के आया, तो ये सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सब का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो सब टैग है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस सब टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। अब आउटपुट देख के आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। देखिए, ये जो पैराग्राफ लिख करके आया ये सबस्क्रिप्ट में लिख करके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट का भी एक एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है तो उसके लिए आपको SUP यानी सुप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक HTML का डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे इस पैराग्राफ को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो फिर कैसे लिखूंगा मैं, SUP टैग के अंदर, ठीक है। इस SUP टैग के अंदर मैं इसे लिखूंगा। SUP टैग भी और टैग्स के तरीके से होता है, एक स्टार्ट टैग, एक एंड टैग। स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जितना भी टेक्स्ट आ जाएगा सारा का सारा सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा, ठीक है। हम इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसका हम आउटपुट देखते हैं। देखिए, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिख कर आ गया और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में था, ठीक है। तो हमने अपने सिलेक्शन में क्या चीज़ें पढ़ी, पांच चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा कि अगर हमें किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्क टैग को। मार्क टैग एक स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जितना भी टेक्स्ट आ जाएगा सारा का सारा हाईलाइटेड टेक्स्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम उसे मार्क कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो अगर हमें कोई भी टेक्स्ट डिलीटेड टेक्स्ट है तो कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो फिर जो कुछ भी डेल टैग के अंदर आ जाएगा सारा का सारा टैक्स आपका डिलीटेड टैक्स होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जो कुछ भी हमें अगर कोई चीज़ नई चीज़ इंसर्ट करी, हमें शो करना है कि ये नई जो चीज़ है पहले यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी और बाद में इसको इंसर्ट किया गया है, तो उसके लिए INS टैग का यूज़ करेंगे यानी इंसर्ट टैग का यूज़ करेंगे। उसके बीच में जो भी कुछ होगा, इंसर्ट टैग के बीच में जो भी कुछ होगा उसे हम कहेंगे, उसे वो सारा का सारा अंडरलाइन होकर के आ जाएगा, विच शोज दैट दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। और अगर हम किसी भी चीज़ को सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो हम सब टैग का यूज़ करेंगे। सब टैग, स्टार्ट टैग और फाइनल टैग दो टैग होते हैं इसके। स्टार्ट टैग और फाइनल टैग एंड टैग दोनों के बीच में जो भी कुछ आएगा वो सारा का सारा सबस्क्रिप्ट में लिख कर दिया जाएगा। उसी तरीके से SUP सुप का जब कभी भी हम यूज़ करते हैं सुप टैग का, तो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लिख करके आ जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ इसके स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में होगा सारा का सारा सुपर स्क्रिप्ट में लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक
Thanks for watching and don't forget to like and subscribe my channel Programming House. Thank you very much.